दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की पेशकश करने के बाद से ही एक सवाल सबके जहन में है कि अब दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो खबर है कि दिल्ली को एक अनुसूचित जाति का पहला मुख्यमंत्री मिल सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद आप इस समुदाय से आने वाले एक नेता का नाम लगातार ले रही है और उस पर अपना दांव लगा सकती है। हम आपको इस रिपोर्ट में उस नेता के बारे में भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों एससी कैंडिडेट के बारे में आम आदमी पार्टी सोच रही है कि उसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो कौन है वो नेता? दरअसल उस नेता का नाम है कुलदीप कुमार। जानकारों का मानना है कि आप अगर इस रणनीति पर आगे बढ़ती है तो राष्ट्रीय स्तर पर इसका बड़ा सियासी संदेश आ जाएगा। कुलदीप कुमार एससी वर्ग से आते हैं और अगर उन्हें सीएम बनाया जाता है तो फायदा हरियाणा और महाराष्ट्र में खास तौर पे होगा। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस फैसले का असर पड़ने की भी संभावना है। पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि नए सीएम की दौड़ में मौजूदा मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज तो शामिल है ही। शीर्ष नेतृत्व ने अभी अपने सभी विकल्प खुले रखे हुए हैं और आज शाम तक वो तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि बैठक शुरू हो चुकी है। लगातार मंथन जारी है कि किसे मौका दिया जाए और वो कौन विश्वास पात्र होगा जो अरविंद केजरीवाल की कुर्सी संभालेगा। अगले दो दिन में आप संभावित विकल्पों में से सबसे बेहतर कैंडिडेट का चुनाव पार्टी करेगी और पार्टी रणनीतिकार मानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी आप दिल्ली और पंजाब के बाद दूसरे राज्यों में अपनी पकड़ को मजबूत करने की दिशा में बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव अभी प्राथमिकता में है, वहीं नवंबर में महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं और दोनों राज्यों में अनुसूचित जाति के वोटर बड़ी संख्या में हैं। हरियाणा में इस समुदाय के 21% मतदाताओं के साथ 17 सीटें आरक्षित हैं, वहीं महाराष्ट्र में आरक्षित सीटों की संख्या 29 है और एससी के करीब 13% वोटर्स हैं। ऐसे में दिल्ली में इसी समुदाय का मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी मजबूती से इन सीटों को साधेगी और अपना पक्ष रखेगी। वहीं लोकसभा चुनाव में दिल्ली की आरक्षित सीटों पर कमतर प्रदर्शन करने वाली आपको इसका फायदा दिल्ली के चुनावों में भी मिलेगा। माना जा रहा है कि दिल्ली में फरवरी में चुनाव होने हैं, ऐसे में नए मुख्यमंत्री की शासनिक से ज्यादा अहमियत सियासी होगी और अगले 5 महीने में उसे चुनावी मोड में ही काम करना होगा। इस बीच संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत आपके सभी वरिष्ठ नेता जनता के बीच होंगे, अपनी इमेज बिल्डिंग करेंगे और इससे नए मुख्यमंत्री के अनुभव या अनुभवहीनता का ज्यादा असर आप और उसकी सरकार की छवि पर नहीं पड़ेगा। अब आपको बता दें कि दिल्ली में एक भी मुख्यमंत्री एससी समुदाय से नहीं रहा है। दिल्ली में 1952 से अभी तक 7 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पहले मुख्यमंत्री ब्रह्मप्रकाश यादव समुदाय से आते थे, दूसरे मुख्यमंत्री गुरमुख निहाल सिंह सिख समुदाय से थे और उसके बाद 1993 में मदन लाल मुख्यमंत्री बने जो पंजाबी थे, फिर साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। इसमें कोई भी एससी चेहरा नहीं था। लोकसभा चुनाव में आपने एससी कार्ड खेला भी था। पूर्वी दिल्ली की सामान्य सीट से अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले आप विधायक कुलदीप कुमार पर दांव चला था। वो अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद होने के साथ ही वाल्मीकि समुदाय से आते हैं, ऐसे में उनके चेहरे पर भी आम आदमी पार्टी अपना दांव लगा सकती है। वहीं 12 आरक्षित सीटों के दूसरे 11 विधायक भी अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि आतिशी की दावेदारी मजबूत है। सूत्र बता रहे हैं कि आतिशी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी भरोसा करते हैं, उनके पास सरकार में रहने का अनुभव भी है। तिहाड़ जेल में जाने के बाद दिल्ली सरकार से जुड़े सभी फीडबैक भी केजरीवाल ने आतिशी से ही लिया था। साथ ही 15 अगस्त पर तिरंगा फहराने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हीं का नाम आगे किया था। अब रविवार को अपने भाषण में भी केजरीवाल ने ये जिक्र कर दिया कि तिरंगा फहराने के लिए जेल से लिखी गई इकलौती चिट्ठी उपराज्यपाल तक नहीं पहुंच सकी। दूसरी तरफ दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने की महिला सम्मान योजना को भी मंत्री आतिशी ही देख रही हैं। संभव है कि नई सरकार बनने के बाद पहला फैसला इस योजना को लागू करने का हो और ऐसे में मुख्यमंत्री की नजर में आतिशी एक अहम दावेदार हो सकती हैं। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज का नाम भी चर्चा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने के लिए 2 दिन का समय
मांगा है। सूत्र बता रहे हैं कि नया सीएम बनने से नेताओं के भीतर खींचतान हो सकती है, इसे रोकने के लिए 2 दिन में पार्टी नेतृत्व अपने नेताओं से सहमति बनाएगा। हालांकि मंत्री आतिशी ने ये जरूर कहा है कि सोमवार को भी छुट्टी है, ऐसे में मुख्यमंत्री मंगलवार को इस्तीफा देंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पहले बीते 10 साल में 2 मुख्यमंत्री भी अपने विधायक को मुख्यमंत्री का पद सौंप चुके हैं। हम जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को पद सौंपा था, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेल जाने से पहले चंपाई सोरेन को अपनी कुर्सी सौंपी थी। बाद में जब दोनों मुख्यमंत्रियों को पार्टी ने पद छोड़ने को कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया, और इसे देखते हुए कयास इस बात की भी है कि इस रणनीति के अपने खतरे भी हैं। अगर आपके किसी तेज तर्रार नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया तो कहीं वो भी बिहार और झारखंड की राह पर ना चल पड़े। अब देखना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कौन सा कार्ड खेलते हैं। इमोशनल कार्ड तो वो खेल चुके हैं, अब क्या वो SC ST कार्ड भी खेल लेते हैं आने वाले चुनाव के मद्देनजर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।